इस तरह से ये फिगर, जैसे ये तो सबसे मतलब फेवरेट है सारे लोगों का, इस तरह का एक साइज होता है, आप इसको भी बाद में प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नानचाकू बेसिक कोर्स लेसन नंबर 24, जहां पर मैं आपको सिखाऊंगा कि रिस्ट रोल कैसे करना है, ठीक है। तो फिर सीखने के लिए वीडियो को देखते रहिए। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि रिस्ट रोल कैसे करना है, तो रिस्ट रोल आपको पता चलता है कि रिस्ट के ऊपर रोल होने वाला है, और इसके लिए आपको पहला जो काम करना है, आपका जो नानचाकू का चेन है उसका लेंथ आपके रिस्ट के हिसाब से मेंटेन करना है, ठीक है, या फिर आपके रिस्ट के हिसाब से छोटा कर लेना है। देखिए, आपको हाथ के ऊपर इस तरह से रखना है, इस उंगली को छोड़कर, देन दोनों साइड से डंडा मुड़ना चाहिए, बस इतना बड़ा चेन आपका होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर डंडा ये मुड़ने में अगर प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर ये मतलब बेंड होने में प्रॉब्लम आ रहा है डंडे को, देन छोटा है, और बस छोटा लेकिन डंडा आराम से मुड़ रहा है, देन ये लेंथ आपके लिए सही है। देन आप अपने हिसाब से रिस्ट के ऊपर रखकर आप उसको चूज कर लीजिएगा कि आपका कितना लेंथ होना चाहिए, ओके। ये है आपका पहला काम। जब ये हो जाएगा, ओके, देन आपको पहले स्टार्ट कैसे करना है रिचुअल करने के लिए। अब यहाँ पर दो रोल होगा, एक होगा फ्रंट रोल, एक होगा बैक रोल। अभी फ्रंट रोल बैक रोल क्या है आपको मैंने सिखाया था, ये होता है फ्रंट ग्रिप, ये होता है बैक ग्रिप। मतलब हाथ के पीछे से अगर चेन निकलता है देन इसको हम बैक ग्रिप कहते हैं, और अगर हम मतलब हाथ के थंब के तरफ अगर चेन होता है देन इसको हम फ्रंट ग्रिप कहते हैं, ओके। अब आपको फ्रंट ग्रिप से रोल प्रैक्टिस करना है और बैक ग्रिप से रोल प्रैक्टिस करना है। तो फ्रंट ग्रिप से जो रोल होगा उसे हम कहेंगे फ्रंट रोल, और बैक ग्रिप से जो रोल होगा उसे हम कहेंगे बैक रोल, ओके। अब देखिए, आपको पहले सीखने के लिए क्या करना है, आपको आराम से बस इस डंडे को पहले फ्रंट ग्रिप पे पकड़ना है, देन डंडे को ऊपर की तरफ फेंक देना है, लेकिन डंडे का इस साइड से आना चाहिए, ओके, अंदर से, देखिए, ओके। देन इसको छोड़िए, इसको इस तरह से हाथ को इस तरह से बेंड करना है, मतलब ठीक है, आपको आपका जो रिस्ट है उसको इस तरह से घुमा के कैच करना है, ओके। जब कैच कर लेंगे देन एक जोर मतलब थोड़ा सा एक जर्क करके इस डंडे को ऊपर से आप इस तरह से खींच लीजिए, क्लियर। ये आपका एक्सरसाइज है जो आपको लगभग 20 बार करना है। आप अगर आपका हो रहा है तब भी आपको इसको 20 बार करना है, ओके। देखिए, 1, इसको मैं छोड़ूंगा, कैच करूंगा इसके ऊपर से, ये आपको प्रैक्टिस करना है। जब आप थोड़ा इसको प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे देन इस तरह से थोड़ा थोड़ा आप जल्दी भी कर सकते हो, लेकिन टेक्निक प्रॉपर होना चाहिए। कभी भी आपका ये डंडा इस डंडे के बाहर से नहीं जाना चाहिए, इस तरह से नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो इसको आपको प्रैक्टिस कर करके आपको इसको क्लियर कर लेना है कि जब आप फेंकेंगे अंदर से आना चाहिए बस, ओके। हाथ को छोड़ना है, इसको कैच करना है, देन उधर से एक जर्क करके उधर ले लेना है। जब ये बैक ग्रिप पे आ जाएगा, अब यहाँ से भी सेम करना है आपको, दूसरे तरफ से क्या करना है, बैक ग्रिप से मैं खींचूंगा और डंडे के अंदर से लाऊंगा इसको इस तरह से। देखिए किस पोजीशन पर है, देखिए ध्यान से, हाथ के यहाँ पर भी नहीं, डंडे के पास, ओके। देन इस डंडे को मैं छोड़ूंगा, देन इसको कैच करूंगा, देन ऊपर से इधर, ठीक है। अगर मैं आपको सामने से बिल्कुल दिखाता हूँ, देखिए बैक ग्रिप पर है अभी, 1, छोड़ूंगा, देन कैच करूंगा, देन इसको खींच लूंगा, ओके। फिर से देखिए, बैक ग्रिप पर है, ऊपर, 2, 3, अब इधर से सेम, 1, 2, 3। अगर आप सोचिए कि आप कर रहे हो लेकिन आपका 5 बार में आ गया, मतलब 5 बार करेंगे उसके बाद ही आपका आने लगेगा, फिर भी आप 20 बार कीजिए, ये आपका काम है, ओके। फिर से लास्ट बार दिखाता हूँ, 1, 2, 3, 1, 2, 3। आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब मैं पकड़ रहा हूँ देन मैं अपना रिस्ट को जो है इस तरह से कैच कर रहा हूँ, जब मैं इधर पकड़ रहा हूँ इस तरह से कैच कर रहा हूँ, मतलब हर टाइम मेरा पाम नीचे की तरफ नहीं रह रहा है, मुझे इसको इधर लाना पड़ रहा है। देन ये देखिए, कैच करके जब मैं उधर लेके जा रहा हूँ देन पाम को ऊपर की तरफ कर रहा हूँ। अभी मैं देखिए पाम का डायरेक्शन देखिए, कैच, ये पाम इधर हो गया, ओके। ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब जब आप रिस्ट रोल मतलब आपका आने लगेगा देन आप कोशिश कीजिएगा इसको रनिंग करने में, देखिएगा हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये इधर मैंने ले लिया और अभी मेरा पाम ऊपर की तरफ हो गया, अभी इस तरह से, क्लियर। स्लो मोशन में देखिए, ओके। तो इस तरह से जब आपका आने लगेगा देन आप
अभी आगे बहुत कुछ कर सकते हो। अब दोनों हाथ से प्रैक्टिस करना है आपको, लेफ्ट हैंड से भी राइट हैंड से भी। जब आपका दोनों हाथ से भी आ जाएगा देन आपको इस तरह से एक्सरसाइज होता है, राइट हैंड के पाम नीचे की तरफ, लेफ्ट हैंड का पाम ऊपर की तरफ, लेफ्ट हैंड से आप फेंक सकते हो देन लेफ्ट हैंड से इस तरह से कैच कर सकते हो। और अभी राइट हैंड का पाम ऊपर की तरफ हो गया, अभी दूसरा, ओके। इस तरह का एक्सरसाइज होता है, आप इसको भी बाद में प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन आपको पहले नॉर्मल रिचुअल आना चाहिए, ओके। तो इसके लिए आपको जो मैंने एक्सरसाइज बताया वो आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर लेना है। और बाद में बहुत सारे कुछ हैं, ठीक है, मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा। जैसे कि ये तो सबसे मतलब फेवरेट है सारे लोगों का, ये होता है फिगर एट के साथ होता है, ठीक है। इस तरह से अगर आप साइड से देखेंगे तो इस तरह से होगा, इस तरह से ये फिगर एट के साथ होता है, रिवर्स फिगर के साथ होता है, और लगभग सारे स्पिन के साथ आप रिस्ट्रोल को ऐड कर सकते हो। तो लेकिन उससे पहले आपको रिस्ट्रोल आना चाहिए, और कैसे आएगा वो मैंने आपको सिखा दिया है। तो अगर आप वीडियो से सीख पाते हो देन वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हो देन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे आने वाले वीडियोज़ के लिए। और आप लोगों से मैं फिर मिलूंगा मेरे अगले वीडियो के लेसन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।